आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मन के जीते जीत, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। आहार अनाहार हमारे जीवन की सारी प्रवृत्तियों का आधार है शरीर, और शरीर का आधार है आहार, भोजन। आहार के बिना शरीर नहीं चलता और शरीर के बिना प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अंगुली हिला रहा हूँ, वह भी आहार के बिना नहीं हिलती। आहार लिए बिना सोचा नहीं जा सकता, आहार लिए बिना बोला नहीं जा सकता, श्वास भी नहीं लिया जा सकता। आप यह न माने कि मैंने 5 घंटा पहले जो आहार कर लिया था उसके आधार पर अंगुली हिला रहा हूँ। अभी अंगुली हिला रहा हूँ तो अभी आहार लेकर अंगुली हिला रहा हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ तो साथ साथ आहार भी ले रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ तो आहार लेकर ही सोच रहा हूँ। शरीर की प्रवृत्ति जिस क्षण में होती है उसके पहले क्षण में हमें आहार लेना होता है। आहार लेने के बाद ही हमारी प्रवृत्ति होती है। आहार का अर्थ है बाहर से लेना। बाहर से लिए बिना कोई भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। गौतम ने महावीर से पूछा, भंते एक समर्थ मुनि है, वह वैक्रिय रूपों का निर्माण कर रहा है, वैक्रिय शक्ति का प्रयोग कर रहा है, अपने ही जैसे रूपों का निर्माण कर रहा है, किंतु क्या वह आहार लिए बिना बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना ऐसा कर सकता है? महावीर ने कहा, गौतम मुनि कितना ही शक्तिशाली हो किंतु बाहर के पुद्गलों को लिए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता, वह बाहर से आहार लेकर ही ऐसा कर सकता है। मैं मानता हूं कि आप आहार की बात को पूरा नहीं समझ पा रहे हैं। इसका भी कारण है, हमने मुंह से खाने वाले खाद्य को ही आहार मान रखा है। सेस कोई आहार जैसा लगता ही नहीं, किंतु सच्चाई कुछ और है। मुंह से खाया जाने वाला पदार्थ हमें जितनी शक्ति देता है उससे अधिक शक्ति दूसरे तत्व देते हैं जो आहार के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। आहार का अर्थ है लेना, खींचना, आहरण करना। हम मुंह से लेते हैं कितनी बार? सामान्यतः 2 बार, अधिक से अधिक 10-20 बार, किंतु यह बहुत स्थूल बात है। सूक्ष्म बात यह है कि हम क्षण क्षण में आहार लेते हैं। उस आहार के बिना हमारा जीवन चल भी नहीं सकता। जैन परिभाषा में उसकी संज्ञा है रोम आहार। जो मुंह से लिया जाता है वह है कवल आहार, और जो शरीर के रोम रोम से लिया जाता है वह है रोम आहार। वास्तव में यही हमारे जीवन का आधारभूत आहार है। इसके बिना जीवन चल नहीं सकता। मुंह से खाए बिना 30-40-50 दिन जी सकते हैं, किंतु रोम आहार के बिना जी नहीं सकते। 3 प्रकार का आहार। पहला आहार है कवल आहार, दूसरा है रोम आहार, और 3रे प्रकार का आहार है मनो आहार, मानसिक आहार। इसमें न शरीर की जरूरत है, न कवल की जरूरत है, और न रोम की जरूरत है। मन में संकल्प किया और आहार की पूर्ति हो गई। वह है मनोभक्षी आहार, मानसिक आहार। ये 3 प्रकार के आहार हैं, कवल आहार, रोम आहार और मनो आहार। ये हमारे शरीर को नया स्वरूप प्रदान करते हैं और हमारी स्थूल धारणाओं को मिटाते हैं। आहार के विषय में आज अनेक भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। उनके कारण मनुष्य अनेक कठिनाइयां भुगत रहा है। उसने यह अंतिम सत्य मान लिया है कि जो मुंह से खाया जाता है वही पर्याप्त है जीवन के लिए। यह पर्याप्तता का भ्रम हो गया। आज संतुलित आहार यह शब्द बहुत प्रचलित है। संतुलित आहार का अर्थ है वैसा भोजन जिसमें सभी तत्व संतुलित मात्रा में विद्यमान हो। यह आहार शास्त्रों का अभिमत है। योग शास्त्रों का अभिमत इससे भिन्न है। उनके अनुसार संतुलित आहार वह होता है जिसमें ये 4 तत्व पाए जाते हैं, खाद्य, तेल, वायु और प्रकाश। शरीर शास्त्रों द्वारा प्रस्तुत संतुलित आहार की परिधि में खाद्य और तेल ये 2 ही आते हैं,
शेष दो छूट जाते हैं। मैं मानता हूँ कि यथार्थ में वह आहार संतुलित नहीं हो सकता जिसमें वायु और प्रकाश को स्थान न हो। आपका प्रश्न हो सकता है कि खाद्य और तेल से भूख शांत होती है, जठरागिनी शांत होती है, फिर वायु और धूप से प्रयोजन ही क्या? क्या उनसे भूख शांत होगी? क्या उनसे भूखा पेट भर जाएगा? और यदि उनसे पेट भर जाता हो तो विश्व की बहुत बड़ी समस्या समाहित हो सकती है। आज का अभाव मिट सकता है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना नहीं चाहता कि उनसे पेट भर जाता है, किंतु मुझे विश्वास है कि मेरी बात पूरी सुनने के बाद आप इससे सहमत हो जाएंगे कि उनसे पेट भरता है। विटामिन डी सूर्य रश्मियां, धूप या प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। आपके शरीर को विटामिन डी की बहुत आवश्यकता होती है। विटामिन डी जितना अच्छा सूर्य की रश्मियों से प्राप्त होता है उतना किसी से भी प्राप्त नहीं होता। हमारी चमड़ी के आसपास एक ऐसा द्रव्य है जिस पर सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं और वहां विटामिन डी स्वतः उत्पन्न हो जाता है। सूर्य की रश्मियां विटामिन डी की पूर्ति करती हैं। शरीर पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें कैल्शियम और फास्फोरस की भी पूर्ति करती हैं। शरीर को इन दोनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक चिकित्सा का यह अभिमत है कि मनुष्य को जंगल में जाकर दिन में कुछ समय तक निर्वस्त्र रहना चाहिए, नग्न होकर घूमना चाहिए, धूप का पूरा सेवन करना चाहिए। इससे शरीर की अनेक कमियां पूरी होगी। साधना के क्रम में जो नग्नता का क्रम था वह अनावश्यक नहीं था, मूर्खतापूर्ण नहीं था, वह बहुत आवश्यक था और बहुत सोच विचार पूर्वक निर्धारित किया गया था। शारीरिक और मानसिक साधना की दृष्टि से नग्न रहने के जितने लाभ हैं उतने लाभ सवस्त्र में नहीं हैं। उत्तराधन सूत्र में बहुत स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित हैं कि नग्नता से हल्कापन आता है, हल्केपन से अप्रमाद, जितेंद्रता, विपुल तप आदि आदि प्राप्त होते हैं। प्रयोग आतापना का। शारीरिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो निर्वस्त्र रहने से धूप हमारे समूचे शरीर पर पड़ती हैं। वह धूप हमारे आहार की पूर्ति करती हैं। विज्ञान का भी यही अभिमत है, धूप खाद्य का पूरक तत्व है। आतापना लेने वाले, धूप का सेवन करने वाले व्यक्ति के आहार की मात्रा कम हो जाती है। आतापना के विषय में जितने तथ्य जैन साहित्य में उपलब्ध हैं वे अन्यत्र नहीं मिलते, वहाँ बहुत विस्तार से इसका उल्लेख मिलता है। जो आतापना लेता है उसके आहार की मात्रा कम हो जाती है, आवश्यकता कम हो जाती है, वह अधिक भोजन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी आवश्यकता धूप से पूरी हो जाती है। आतापना का कितना मूल्य था, कितना बड़ा अर्थ था, उसे हमने भुला दिया। आज के आहार शास्त्री भी यह मानने लगे हैं कि जो मनुष्य धूप और वायु से वंचित रहता है वह जानबूझकर कठिनाइयां उत्पन्न करता है। वे कहते हैं कि जंगल में चले जाओ, सारे कपड़े उतार दो, लंगोटी भी न रहने पाए, भूमि पर लेट जाओ, शरीर धूप से जले तो जलने दो, कोई हानि नहीं होगी। यदि जलन से बचना चाहो तो शरीर पर पतला कपड़ा रख लो या मिट्टी रख लो, सीधा संपर्क बना रहे जमीन के साथ, सूर्य के साथ। यह है आतापना की क्रिया। इसे हठ योग की क्रिया समझना मूर्खतापूर्ण है। यह जीवन धारणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अब हम वायु पर विचार करें। हम जो खाते हैं प्राणवायु के बिना उसका अर्थ कम हो जाता है। जो पूरी मात्रा में प्राणवायु नहीं लेता उसको अधिक मात्रा में आहार लेने की आवश्यकता होती है। जो पूरी मात्रा में प्राणवायु ग्रहण करता है उसकी खाने की मात्रा कम हो जाएगी। इस विषय पर यदि हम गहराई में जाकर सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में मुख्यतः चार तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु। शरीर में इन चारों की अपेक्षा होती है, इनको पूरा करना पड़ता है। खनिज के रूप में पृथ्वी तत्व की आवश्यकता है। हमारे शरीर के लिए लोहा आवश्यक है, सीसा आवश्यक है, चांदी आवश्यक है, सोना आवश्यक है, ये सारी धातुएं आवश्यक हैं। हम दूध पीते हैं, दूध में अभ्रक होता है। हम जीरा खाते हैं, जीरे में लोहा होता है। माँ के दूध में बहुत अच्छी चांदी होती है। हम साग खाते हैं,
उनमें बहुत सारे खनिज होते हैं। मनुष्य स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, लोह भस्म औषधि के रूप में लेता है, वह पूरी उपयोगी नहीं होती, अधिकांश भाग व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि खनिजों को भस्म के रूप में नहीं किंतु प्राकृतिक भोजन से प्राप्त करने का प्रयास करो। इस आधार पर एक बात सूझती है कि जैसे खदानों से लिया जाने वाला खनिज हमारे शरीर में एक रस नहीं होता, वैसे ही वनस्पति से प्राप्त खनिज भी पूरा एक रस नहीं होता। इनकी अपेक्षा यदि हम मानसिक आहार के रूप में मानसिक संकल्प के द्वारा कोई चीज विकसित कर सके तो वह हमारे साथ सुगमता से एक रस हो सकेगी। इस पर प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग लंबा हो सकता है। मनोभक्षी आहार की बात महत्वपूर्ण है, वह सूक्ष्म है पर संकल्प के द्वारा उसे विकसित किया जाए तो बहुत सारे तत्वों की पूर्ति हम मन से कर सकेंगे। मन के द्वारा पूर्ति करने में कठिनाई हो तो उससे सरल मार्ग है वायु के द्वारा पूर्ति करने का। आहार और दिशाएं, भगवती सूत्र में बतलाया गया है कि प्राणी 6 दिशाओं से आहार लेता है, वह पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊर्ध्व दिशा से और अधो दिशा से आहरण करता है। आज ये बातें केवल ग्रंथों में रह गई हैं, पढ़ने मात्र को रह गई हैं। अनुसंधान और खोज के अभाव में इनका हार्द समझा नहीं जा सकता। हम सब ओर से आहार लेते हैं, क्या हम पैरों से आहार नहीं लेते? अवश्य लेते हैं। बताया गया है जब घूमना हो तो नंगे पैर घूमो, वह भी सड़क पर नहीं भूमि पर। जब बीच में जूते और पक्की सड़क आ जाती हैं तब पृथ्वी से साक्षात मिलने वाला आहार प्राप्त नहीं होगा। नंगे पैरों घूमने से पृथ्वी के सारे तत्व खींच लिए जाते हैं। हम अपने सिर को भी काम में ले, प्राण शक्ति को उत्तेजित करने वाले ये सारे सौर मंडल से विकीर्ण होने वाले तत्वों को हम मस्तिष्क के द्वारा ही अपने शरीर में ले जाते हैं। किन किन दिशाओं में सिर रखकर सोने से क्या क्या लाभ होते हैं यह इसी तथ्य को पुष्ट करते हैं। पहले तो यह तथ्य रूढ़ी और अंधानुकरण समझा जाता था, किंतु आज के वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद यह तथ्य सत्य सिद्ध हो चुका है। अनेक फ्रांसीसी डॉक्टर सिर हाने की दिशाओं को बदलकर अनेक रोगों की चिकित्सा कर रहे हैं और उन्हें इस पद्धति से बीमारी मिटाने में आशातीत सफलताएं मिली हैं। इसका भी वैज्ञानिक कारण है। सौर मंडल से आने वाले जो प्रवाह हैं, वे हमारे मस्तिष्क को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जिस प्रवाह की दिशा में मस्तिष्क होता है उसके तत्व उसमें प्रवेश पा जाते हैं, इसलिए इस पद्धति का बहुत बड़ा महत्व है। आहार का अर्थ खाना ही नहीं, उसका अर्थ है लेना, खींचना, ग्रहण करना। चाहे हम मुंह से, पैर से, नाक से, सिर से ले, चाहे समूचे शरीर से ले, हम जो भी बाहर से लेते हैं वह सारा का सारा आहार है। इस प्रकार हम ऊपर से भी आहार लेते हैं, नीचे से भी आहार लेते हैं, आसपास से भी आहार लेते हैं, दाएं बाएं से भी आहार लेते हैं, हम सभी दिशाओं और विदिशाओं से आहार लेते हैं। वायु का आहार वायु के माध्यम से लेते हैं। वायु के आहार का अनुसंधान किया जाए तो जो तत्व वनस्पति के आहार द्वारा हम ग्रहण करते हैं वे सब वायु के द्वारा भी ले सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल में सब तत्वों के परमाणु भरे पड़े हैं। संतुलित आहार, हमारे आहार के 4 मुख्य अंग हैं, खाद्य, तेल, वायु और धूप। साधना की दृष्टि से संतुलित आहार वह होता है जिसमें ये 4 तत्व हो, जिसमें केवल खाद्य और तेल हो, वायु और धूप का योग न हो, वह संतुलित आहार नहीं हो सकता। 2 बातें और हैं जो संतुलित आहार की श्रेणी में तो नहीं है पर उनका पूरक के रूप में उल्लेख करना जरूरी है। वे 2 बातें हैं, उपवास और मानसिक प्रसन्नता। इन दोनों के बिना आहार अर्थ शून्य हो जाता है। आप आहार करते हैं परंतु उपवास करना नहीं जानते, अनाहार रहना नहीं जानते तो आपका आहार आपके लिए कठिनाई बन जाएगा। हम आहार करते हैं भूख की समस्या को समाहित करने के लिए और वही आहार अनेक समस्याएं हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। जो लोग केवल आहार करते हैं, उपवास नहीं करते, वे उपवास का मर्म नहीं जानते, वे समस्याओं को कम नहीं कर सकते। आहार के साथ अनाहार को जोड़ना
उपवास को जोड़ना भी बहुत जरूरी है। उपवास का अर्थ नहीं खाना भी है, कम खाना भी है, आहार की मात्रा को कम करना भी है। मन खाते समय चिंता से मुक्त होता है तो भोजन का पाचन अच्छा होता है। प्रसन्नता का अर्थ हर्ष नहीं है, शोक जैसे एक आवेश है वैसे ही हर्ष भी एक आवेश है। प्रसन्नता आवेश नहीं है, वह चित्त की निर्मलता है। जैसे प्रसन्न आकाश का अर्थ होता है निर्मल आकाश, वह आकाश जो बादलों से गिरा हुआ न हो, जो चित्त हर्ष भय शोक आदि आवेशों से आक्रांत न हो वह प्रसन्न होता है। उसमें वृत्तियां शांत होती हैं। खाने वाला केवल खाने में ही लीन होता है, इसलिए चित्त की प्रसन्नता भी भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। भावना। नदी का दूसरा किनारा सामने है, कोई व्यक्ति उस तट पर जाना चाहता है, पानी गहरा है, वह तैरना नहीं जानता, वह नौका पर बैठकर उस तट की ओर चल पड़ता है। उस पार पहुंचने का साधन है नौका, नौका के बिना वहां पहुंचा नहीं जा सकता। हम जिस तट पर खड़े हैं उससे संतुष्ट नहीं है, जो सामने तट दिखाई दे रहा है वहां जाना चाहते हैं। जाना सरल नहीं है, काफी कठिनाइयां हैं। जितनी गहराई है उसे हम पैरों से चलकर पार नहीं कर सकते, हमें नौका की जरूरत है। नौका है भावना। भावना का सहारा लेकर, भावना की नौका में बैठकर दूर दिखाई देने वाले तट पर पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई भी तट नहीं है जहां भावना की नौका में चढ़कर हम न पहुंचे। यह भावना का प्रयोजन है, महत्व है। सविषय ध्यान। प्रश्न होगा, भावना क्या है? किसी विचार को बार बार मन में लाना भावना है। ध्यान के तीन अंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। यह महर्षि पतंजलि का विभाग है। हम मानते हैं भावना, ध्यान और समाधि, धारणा और भावना में कोई अंतर नहीं है, एक ही ध्यान त्रिमूर्ति बन गया। धारणा का विषय है मन के साथ विषय को जोड़ना, वह ध्येय बन जाता है। धारणा पुष्ट होती है ध्यान बन जाता है, ध्यान पुष्ट होता है समाधि बन जाती है। एक ही ध्यान के तीन रूप बन गए, एक पहला, एक मध्य और एक अंत का। यह है धारणा या भावना का स्वरूप। भावना का अर्थ है सविषय ध्यान, यही इसकी परिभाषा है। जब आपके मन में कोई विषय है, आपने कोई ध्येय चुना है, इसका अर्थ है कि आप सविषय ध्यान कर रहे हैं, यही है भावना। भावना, सविषय ध्यान और जप में कोई अंतर नहीं है, तीनों एक हैं। अपनी उपयोगिता के आधार पर भिन्न भिन्न नामों का चुनाव हुआ है। जप का अर्थ यह है कि जो जप्य है, जिसका जप करना है, उस जप्य वस्तु के प्रति व्यक्ति का तन्मय और एकाग्र हो जाना। भावना का अर्थ है भाव्य व्यक्ति या वस्तु के प्रति तन्मय और एकाग्र हो जाना। धारणा का अर्थ भी यही है कि जिसकी धारणा करनी है उसके प्रति तन्मय और एकाग्र हो जाना। सविषय ध्यान भी यही है, विषय के प्रति या ध्येय के प्रति तन्मय और एकाग्र हो जाना सविषय ध्यान है। जप, भावना, धारणा और सविषय ध्यान चारों एक कोटि के हैं। इनमें तात्पर्य भेद नहीं है, केवल नाम भेद है। जो चाहे वह बने। भावना नौका है। भगवान महावीर ने कहा कि जिसकी आत्मा भावना योग से विशुद्ध होती है वह जल में नौका की तरह है, वह जब चाहे पार पहुंच सकता है। अब इस नौका का उपयोग कैसे हो यह प्रश्न शेष रहता है। भावना से भावित होना आवश्यक होता है। आगमों में भावित आत्मा शब्द आता है। भावित आत्मा हुए बिना लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भावित आत्मा होने के बाद जो होना होता है वह हो जाता है। यह सारा एकाग्रता का चमत्कार है। हम जो भी होना चाहते हैं हो जाते हैं, जो घटित करना चाहते हैं वह घटित हो जाता है। जिस रूप में मन को बदलना चाहते हैं बदल लेते हैं। मन के असंख्य पर्याय हैं, वह भिन्न भिन्न आकारों में बदलता है। हम जैसा चाहते हैं उसी प्रकार का आहार व लेना शुरू कर देता है। यह मन की अपनी विशेषता है। तन्मयता और एकाग्रता के साथ हमने जो भावना की वैसा ही होना होता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। प्रश्न है एकाग्रता का, स्थिरता का। मन बदलता है तो साथ साथ शरीर भी बदलता है।
परिवर्तन भावना के द्वारा। फ्रांस की एक घटना है, एक अमेरिकी युवान वहां आया, एक परिवार के साथ ठहरा। उस परिवार के साथ उसका गाढ़ संपर्क हो गया। उस परिवार में एक वयस्क कन्या थी। युवक का उसके साथ संपर्क बढ़ा, दोनों प्रेम सूत्र में बंध गए। विवाह का प्रश्न सामने आया। युवक ने कहा, अभी मैं विवाह नहीं कर सकता। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा न हो जाऊं, तब तक मैं यह भार वहन नहीं कर सकता। मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होकर ही विवाह करूंगा, पहले नहीं। लड़की ने स्वीकार कर लिया। युवक अमेरिका चला गया, लड़की फ्रांस में ही रही। लड़की के मन में एक विचार आया कि 5-7 वर्ष बाद जब वह युवक मेरे साथ शादी करने आएगा, तब यह न हो जाए कि मेरा रूप रंग फीका पड़ जाए, मेरे यौवन का उभार शिथिल हो जाए। उसने प्रतिदिन भावना प्रारंभ की। वह एक कांच के सामने खड़ी हो जाती और भावना करती, आज जैसी हूँ वैसी ही रहूँ। इस भावना में तन्मयता एकाग्र हो जाती। 15 वर्ष बीत गए, युवक अपने पैर पर खड़ा हुआ, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी, वह आत्मनिर्भर हो गया। युवती की स्मृति उसे पल पल रहती। वह फ्रांस आया, उसके मन में अनेक विकल्प उठ रहे थे। उसने सोचा, लड़की की स्थिति क्या होगी, वह कैसे होगी, क्या होगा उसका रूप रंग। वह लड़की से मिला, उसने पाया कि लड़की के शरीर का लावण्य, उसकी सुंदरता और कमनीयता वैसी ही थी जैसे 15 वर्ष पहले थी। उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं आया था। वह विवाह के सूत्र में बंध गया, दोनों प्रसन्न हुए। यह है भावना का चमत्कार। यह भावना योग है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की भावना से अपने आप को भावित करता है, वह उसी रूप में बदल जाता है। न जाने दुनिया में कितने प्रयोग ऐसे होते हैं जो भावना से संबंधित होते हैं। जैन परंपरा में भावना योग का विशेष महत्व है। इसे आप आध्यात्मिक मूल्य दें या न दें, यह आप जाने, किंतु ये तथ्य स्पष्ट है कि भावना के आधार पर व्यक्ति बनता बिगड़ता है। एक मठ था, वहाँ अनेक छोटे बड़े साधक साधना का अभ्यास करते थे। वहाँ एक दंगल कुश्ती का आयोजन रखा। दो पहलवान आमंत्रित किए गए, एक तगड़ा और बलिष्ठ था, दूसरा पतला और कम शक्तिशाली था। दंगल प्रारंभ हुआ, बलिष्ठ पहलवान ने पतले दुबले पहलवान को चित्त कर दिया। साधकों के मन में एक विकल्प उठा, उन्होंने पतले पहलवान को सहयोग देना चाहा। कुछ एक साधक आंख मूंद कर इस भावना में तन्मय हो गए कि इसकी विजय होनी चाहिए, यह पतला पहलवान जीतना ही चाहिए। कुछ समय बीता, सबके देखते देखते दुबले पतले पहलवान ने उस तगड़े पहलवान को पछाड़ दिया, वह उसके सीने पर जा बैठा। ऑटो सजेशन से रोग मुक्ति। भावना दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है, दूसरों पर भी उसका प्रभाव डाला जा सकता है। दूसरों की कठिनाइयों को शांत करना, रोग मिटाना, दूसरों का हृदय परिवर्तन करना, दूसरों के विचारों को बदलना, ये सारे भावना के ही प्रयोग हैं। भावना के द्वारा ये किए जा सकते हैं। भावना के माध्यम से स्वयं को बदला जा सकता है, दूसरों को बदला जा सकता है, आसपास के व्यक्ति को बदला जा सकता है, वातावरण को बदला जा सकता है। एक व्यक्ति का शरीर दुर्बल है, शरीर को स्वस्थ करने के लिए भावना की जा सकती है। एक व्यक्ति का मस्तिष्क दुर्बल है, उसे स्वस्थ करने के लिए भावना की जा सकती है। एक व्यक्ति की आंखें कमजोर हैं, हृदय दुर्बल है, भावना अपवित्र है, इन सबको स्वस्थ करने के लिए भावना की जा सकती है। अनगिनत भावनाएं की जा सकती हैं, अनगिनत संकल्प किए जा सकते हैं। आज के चिकित्सक, विशेषकर जर्मनी के चिकित्सक, रोगी को दवा की अपेक्षा ऑटो सजेशन के द्वारा रोग मुक्त करने का प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं, जंगल में चले जाओ, वहाँ किसी वृक्ष के नीचे बैठकर समाधिस्थ हो जाओ और अपने आप को यह सुझाव दो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। उनका मानना है कि इस पद्धति से व्यक्ति रोग मुक्त होकर स्वस्थ हो जाता है। यह तो सामान्य बात है। जब हम साधना की दृष्टि से विचार करें तो हमें किस प्रकार की भावना करनी चाहिए, इसका भी महत्व हमारे समक्ष आ जाता है। जैन परंपरा में भावना पर बहुत विचार किया गया है। वैसे तो सभी धर्मों ने भावना पर विचार किया होगा, परंतु जैन साहित्य में इस विषय पर बहुत अधिक उल्लेख प्राप्त हैं।
मुख्य भावनाएं चार हैं, ज्ञान भावना, चारित्र भावना, तप भावना, वैराग्य भावना। भावना का हृदय। जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है उसे सबसे पहले अपने आप को ज्ञान भावना से भावित करना होगा। भावना का अर्थ विचारों की आवृत्ति नहीं है, भावना का अर्थ है विचारों की स्थापना, विचारों का दृढ़ीकरण। अभ्यास काल में विचारों की आवृत्ति भी जरूरी होती है, दोनों बातें आवश्यक हैं, विचारों की आवृत्ति और विचारों का स्थिरीकरण। एक ही बात को आप बार बार दोहराते रहें वह भावना बन जाएगी, आप उससे भावित हो जाएंगे, आप ठीक वैसे ही करने लग जाएंगे। एक आदमी दिन में 10-15 बार दरवाजा खोलता है, बंद करता है, वह उस क्रिया से भावित होता है, प्रभावित होता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, काम हो या न हो उसका ध्यान उसी क्रिया की ओर जाता है। वह दरवाजे खोले या न खोले किंतु उसकी स्मृति उसी क्रिया में संलग्न हो जाती है, क्योंकि वह उससे भावित हो गया है। व्यक्ति दोनों से प्रभावित होता है, विचार से भी प्रभावित होता है और कार्य से भी प्रभावित होता है। विचार और कार्य को दोहराना भावना का मूल है। बदलने की प्रक्रिया। प्रश्न है, भावना के द्वारा हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं? इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले आप ध्येय का चुनाव करें। आप यह निर्णय करें कि मुझे अब यह बनना है, यह करना है। मुझे कवि बनना है, दार्शनिक बनना है, लेखक बनना है, साहित्यकार बनना है या अन्य कुछ भी बनना है। जो बनना है वह ध्येय हो गया। जो ध्येय बना है उसकी क्रियान्विति के लिए आप भावना का अभ्यास करें। अभ्यास कब और कैसे करें यह प्रश्न होता है। आप एकांत में चले जाएं, शरीर को शिथिल कर बैठ जाएं, मन भी शिथिल हो, तनाव न हो, आकुल व्याकुल न हो, यह प्रारंभिक स्थिति है। यह आवश्यक है। जो ध्येय हमने चुना है वह स्थूल मन से हटकर अवचेतन मन में नहीं पहुंचेगा, तब तक होने की भावना सफल नहीं होगी। आप कह सकते हैं कि हमने ऐसी भावनाएं की, भावनाओं का अभ्यास किया पर हम सफल नहीं हुए, कहीं समझने की भूल हो रही है। भावना का तात्पर्य है चेतन मन को भुला देना और अवचेतन मन को जागृत कर देना, चेतन मन के विकल्प को अवचेतन मन की धरोहर बना देना, अवचेतन मन में उसे स्थापित कर देना, यह है भावना। यह है भावना का अभ्यास। जब तक बात अवचेतन मन तक नहीं पहुंचेगी, आप 1000 बार 10000 बार प्रयत्न करें, शब्द दोहराते जाएं, सफलता नहीं मिलेगी, आप सफल नहीं होंगे। इसमें सफल होने के लिए आपको शरीर का विसर्जन करना होगा, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देना होगा, चेतन मन को भी शांत करना होगा। उसके बाद अपने ध्येय को दोहराते रहें, पहले मध्यम आवाज में, फिर तेज आवाज में। यह क्रम 10 मिनट तक चलता रहे। इससे कम समय में सफलता असंभव है। प्रतिदिन इस क्रम से दोहराते रहें। यह ध्यान में रखें कि क्रम नहीं टूटे, अपने ध्येय के अनुसार ही आचरण करें, निश्चित ही आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। काल की अवधि में कुछ अंतर हो सकता है पर सफलता निश्चित है। कोई भी आदमी भावना के बिना सच्चा धार्मिक नहीं बन सकता और ध्यान की उच्च स्थिति में भी नहीं जा सकता। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा सभी प्रकार के विकास के लिए भावना का सर्वोपरि महत्व है। एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें अनेक उपक्रम करने होते हैं। मान लीजिए कि हमें निर्मोह बनना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें मोह की समस्त वस्तुओं को मिटाना होगा। जो भी वस्तु मोह उत्पन्न करती हैं, मन को मूढ़ बनाती हैं, उसका निराकरण करना होगा। ध्येय का अर्थ ही है भावना। अध्यात्म की साधना। एक व्यक्ति विचारक के पास जाकर बोला, भ्रांति क्या है, सत्य क्या है? विचारक ने उत्तर दिया, मैं कहता हूँ वह भ्रांति है, तुम उसे नहीं मानते, यह सत्य है। हम इस दुनिया में सत्य और भ्रांति के चक्र में पड़े हुए हैं। धर्म का सारा मार्ग सत्य की खोज के लिए है। आदि काल से मानव सत्य की खोज करता चला आ रहा है, साथ साथ भ्रांति भी चल रही है, यह चलती रहेगी। यदि भ्रांति साथ साथ नहीं चलती तो धर्म की आज कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। किंतु जैसे जैसे धर्म का विस्तार हुआ है वैसे वैसे भ्रांति का भी विस्तार हुआ है। हम धर्म
और अध्यात्म की बात करते हैं सत्य की उपलब्धि के लिए। आदमी सोने का मूल्य कर सकता है पर मिट्टी का नहीं, क्योंकि वह इतनी सहज और सुलभ है कि हर आदमी उसे प्राप्त कर सकता है। यह सच है कि सोने की तुलना में मिट्टी का मूल्य हजार गुना अधिक है। सोना आदमी को मार सकता है पर मिट्टी ने न जाने कितने मरने वालों को उबारा है। फिर भी मिट्टी का मूल्य नहीं आंका जा सकता, क्योंकि वह सहज है, सुलभ है। हम रोटी का मूल्यांकन करते हैं क्योंकि रोटी हमारा जीवन है, परंतु जो सचमुच जीवन है उसका हम कभी भी मूल्यांकन नहीं करते। वह है प्राण, वह है हमारा स्वास्थ्य। साधना की पद्धति मूल्यांकन का मार्ग है। जहाँ मतभेद का प्रश्न है वहाँ हजार संप्रदाय हो जाते हैं। लोग कहते हैं संप्रदाय न हो, मैं इस भाषा में सोचता हूँ कि हजारों संप्रदाय हो, हर व्यक्ति का एक संप्रदाय हो। अध्यात्म ही एक ऐसा विकल्प है जहाँ कोई संप्रदाय भेद नहीं है। साधना और अध्यात्म में कोई संप्रदाय भेद नहीं होता। साधना का सबसे बड़ा योग है ध्यान। ध्यान का अर्थ है निर्विकल्पता, जहाँ कोई विकल्प नहीं, विवाद नहीं, इसमें मतवाद का प्रश्न ही नहीं उठता। साधना में मुंह बंद होता है, कान बंद होते हैं, आंखें बंद होती हैं, फिर वहाँ विवाद का प्रश्न ही कैसे उठेगा। हमारी जो नैतिकता की पूंजी है उसकी मूल पृष्ठभूमि है अध्यात्म। अध्यात्म के आधार पर ही नैतिकता विकसित हो सकती है। आज हमारा सारा ध्यान शरीर केंद्रित हो गया है, मूल है मन, उसकी हम उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। हमें सबसे अधिक प्रभावित करने वाला तत्व है मन, ध्यान की शक्ति। महात्मा बुद्ध विहार कर रहे थे, साथ में एक शिष्य था। शिष्य ने पूछा, भंते ध्यान की शक्ति क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने सुना, उत्तर नहीं दिया। मार्ग में एक कुआं आया, एक यात्री आ रहा था, वह प्यासा था। उसने देखा कुएं के पास एक बाल्टी पड़ी है, वह डोरी से बंधी हुई है। उसने उस बाल्टी को कुएं में डाला, डोर खींची, बाल्टी ऊपर आई, पर उसमें पानी नहीं था, वह खाली थी। फिर उसे कुएं में डाला, ऊपर खींचा, पर वह खाली ही ऊपर आई, वह पानी नहीं पी सका, उसकी प्यास वैसी ही बनी रही। बाल्टी के पैंदे में छेद था, जितना पानी भरता वह ऊपर आते आते खाली हो जाता। बुद्ध आगे चले, कुछ ही दूरी पर दूसरा कुआं दिखा, वह भी डोर से बंधी हुई बाल्टी पड़ी हुई थी। एक प्यासा पथिक आया, बाल्टी से पानी खींचा, पानी पिया, प्यास बुझ गई। बुद्ध ने शिष्य से कहा, वत्स, तुम जानना चाहते थे कि ध्यान की शक्ति क्या है। ध्यान की शक्ति यह है, जो ध्यान नहीं करता वह खाली रहता है, कभी नहीं भरता, वह फूटा रहता है, कभी नहीं भर सकता। जो कुछ अंदर आता है सारा के सारा निकल जाता है। जो ध्यान करता है जितना अंदर जाता है उससे हजार गुना बढ़ता है। यह है ध्यान की शक्ति, यह है ध्यान का महत्व। हमारी कितनी ही शक्तियां हैं शरीर में, मस्तिष्क में, उनके विकास का मार्ग है साधना। साधना के बिना उनको विकसित नहीं किया जा सकता। यह समूचा साधना का मार्ग, शक्तियों के विकास का मार्ग है। इंद्रिय संयम। एक कवि था, वह तत्वज्ञानी था, अमेरिका में रहता था, उसका नाम था यूनको। एक दिन वह जा रहा था, अचानक ही आकाश में बादल मंडराने लगे और देखते देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। बरसात बहुत तेज थी, उसे रुकना पड़ा। उसके पास स्वलिखित डायरी थी, उसमें अनेक कविताएं लिखी हुई थी, उसको आगे जाना जरूरी था। बरसात में डायरी के भीग जाने का भय लगा। पास में एक दुकान थी, बूढ़ा दुकानदार वहाँ बैठा हुआ था। उसे डायरी सौंपते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें ये डायरी सौंप रहा हूँ, इसे सुरक्षित रखना, कल लौटते वक्त ले जाऊँगा। बरसात आ रही है, मेरे पास छाता भी नहीं है, यह भीग जाएगी, तुम्हारे पास रख कर जाता हूँ, सावधानी से रखना। दुकानदार ने डायरी लेकर रख ली। दूसरे दिन कवि दुकान पर आया डायरी लेने। उसने देखा कि दुकानदार डायरी के पन्ने फाड़े जा रहा है और ग्राहकों को पुड़िया बांधकर दे रहा है। वह सन्न रह गया। उसने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, डायरी को क्यों नष्ट कर रहे हो। बूढ़े ने कहा, क्षमा करें, मेरे से भूल हो गई, मैं भी भुलक्कड़ हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि यह आपकी डायरी है। पर आप घबराए नहीं,
मैंने इसमें से फालतू पन्ने ही फाड़े हैं, जो लिखे जा चुके थे उन्हें ही फाड़ा है। जो पन्ने सादे थे, जिन पर कुछ भी नहीं लिखा था, वे ज्यों के त्यों सुरक्षित हैं, आप घबराएं नहीं। वह दुकानदार का दृष्टिकोण था, उसने यह संतोष मान लिया था कि उसने एक भी सादा पन्ना नहीं फाड़ा। कवि पर क्या बीती होगी, कौन कल्पना कर सकता है। कवि के लिए लिखे हुए पन्ने सादे पन्नों से मूल्यवान थे, उन पर उसने अपनी सदस कविताएं लिख रखी थी। ये वे कविताएं थी जो उसे यश के शिखर पर चढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। वह खाली पन्नों का क्या करे। हमारी इंद्रियों पर ठीक भी ऐसा ही घटित होता है। एक इंद्रिया खाली पन्ने जैसी है और एक इंद्रिया लिखे हुए पन्ने जैसी है। हम किसे अधिक मूल्य दें। हमारी इंद्रियों के साथ जो राग द्वेष की धारा चल रही है, उसके द्वारा इंद्रियों पर राग के अंकन हो रहे हैं, द्वेष के अंकन हो रहे हैं, उन पर इनके अनंत अंकन हो चुके हैं। जो लोग इंद्रियों के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, परंपरागत संस्कारों को देखते हैं, इंद्रियों को बहुमान देते हैं, वे सोचते हैं जो कुछ अंकन था वह बहुमूल्य था, पर मिट गया तो सब कुछ मिट गया, वह चला गया तो कुछ चला गया। इंद्रियों के साथ जो सुख आ रहा था वह नहीं रहा, मिट गया तो फिर शेष क्या बचेगा। वे उस धारा को जो लिपिबद्ध हैं, अंकित हैं, बराबर जोड़े हुए रखना चाहते हैं, यह एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण है दुकानदार का। उसके लिए खाली पन्ने काम के हैं, अंकित पन्ने काम के नहीं हैं। मूल्य खाली पन्नों का है, क्योंकि उन पर लिखा जा सकता है। अंकित पन्नों का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वे पहले से ही भरे पड़े हैं, उन पर नया कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। कवि के लिए दृष्टिकोण प्रिय नहीं था, इंद्रियवादी के लिए भी यह दृष्टिकोण प्रिय नहीं हो सकता, किंतु साधक के लिए यह बहुत प्रिय और मनोज्ञ दृष्टिकोण है। खाली पन्ने बहुत काम के हैं, यानी हम पन्नों को खाली रखें, खाली कर दें, उन पर कुछ भी न लिखे, कभी न लिखे, उन्हें खाली ही रहने दे। इंद्रिय ज्ञान की धारा के साथ साथ जो राग द्वेष की धारा बह रही है उसे तोड़ दे, नष्ट कर दे। इंद्रिय ज्ञान को खाली रखे, राग द्वेष को न जोड़े, उनका अंकन न होने दे, यही इंद्रिय संयम है। इंद्रिय अवधारणाएं। इंद्रिय के विषय में दो बातें हैं जिन पर हजारों वर्षों में भारतीय योगियों और साधकों द्वारा बहुत चर्चाएं हुई हैं। पहली बात, कुछ साधक कहते हैं इंद्रियों को काम में मत लो, आंख से मत देखो, आंख मूंद लो, कान से मत सुनो, कान में रुई डाल दो, नाक से मत सूंघो, नाक को बंद कर दो, जीभ से मत चखो, सरस खाओ ही मत, नीरस, रसहीन या स्वादहीन भोजन करो, रस नहीं आएगा। क्या ये सारी बातें संभव हैं? क्या रात दिन आंख मूंद कर रहा जा सकता है? जो देखने की शक्ति प्राप्त है, दृष्टि प्राप्त है, उसको काम में लिए बिना क्या अच्छा परिणाम आएगा? कान है सुनने के लिए, कान को बंद कर दिया, कुछ भी नहीं सुना तो कौन सी बड़ी उपलब्धि हो गई? निरंतर नहीं सुनना संभव भी नहीं। दूसरी बात, कुछ साधक कहते हैं इंद्रियों का अपना अपना काम है, उन्हें करने दो, आँख से, कान से, नाक से, जीभ से काम लो, देखो, सुनो, सूंघो, चखो, छुओ, सब कुछ करो, किंतु उनके साथ जो राग द्वेष की धारा आ रही है उसका संयोग मत होने दो, जोड़ो मत, उस धारा को अलग प्रवाहित होने दो, कोई कठिनाई नहीं होगी। ये दो बातें हैं, एक है विषय का निरोध करना और एक है राग द्वेष का निरोध करना, एक है इंद्रियों से काम लेना और एक है इंद्रियों से काम लेते हुए उसके राग द्वेष को न जुड़ने देना। दोनों बातें भिन्न भिन्न हैं। अब हमें सोचना है कि साधना की दृष्टि से कौन सी बात उचित है, काम न लेना अच्छा है या राग द्वेष को न जोड़ना अच्छा है। कुछ कहेंगे पहली बात अच्छी है और कुछ कहेंगे दूसरी। मैं ये नहीं कह सकता कि पहली अच्छी है या दूसरी अच्छी है, दोनों का अपना अपना स्थान है, अपना काम है, अपना महत्व है। एक व्यक्ति साधु के पास आया और बोला, क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए घर को छोड़ना जरूरी है? साधु ने कहा, कोई जरूरी नहीं, यदि जरूरी होता तो जनक घर में रहते हुए भी विदेह कैसे हो जाती, भरत को आदर्श गृह में कैवल्य की प्राप्ति कैसे हो जाती,
यदि जरूरी होता तो भगवान ऋषभ की माता मरुदेवा को मोक्ष कैसे मिलता। मरुदेवा साध्वी नहीं बनी। भरत ने गृह त्याग नहीं किया। जनक राज्य छोड़कर सन्यासी नहीं बने। फिर भी मरुदेवा मुक्त हो गई, भरत केवली हो गए और जनक विदेह हो गए। कुछ दिनों बाद एक दूसरा व्यक्ति उसी साधु के पास आकर बोला, महाराज क्या मोक्ष के लिए घरबार को छोड़ना आवश्यक नहीं। साधु ने कहा, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यदि घर का परित्याग किए बिना ही मोक्ष मिल जाता तो सुखदेव जैसे सन्यासी यहाँ पैदा कैसे होते। हमारी भारतीय परंपराओं में, जैनों में, बौद्धों में, वैदिकों में हजारों हजारों सन्यासी बने हैं, मुनि बने हैं, भिक्षु बने हैं। वे फिर सन्यासी क्यों बनते? वे क्यों जंगलों में भटकते? वे क्यों अनगिनत कष्टों को सहते? क्यों वे अरण्यवासी बनते? क्यों वे घर को छोड़ साधना करते? इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए गृह त्याग बहुत जरूरी है। एक बार दोनों व्यक्ति कहीं मिल गए, संयोग ही ऐसा था। एक ने कहा, महाराज ने कहा कि मोक्ष को पाने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं है। दूसरे ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने भी पूछा था उसी साधु से, उसने कहा था कि मोक्ष पाने के लिए घर छोड़ना बहुत जरूरी है। दोनों में विवाद हो गया, दोनों लड़ पड़े। दोनों अपने अपने विचारों की सीमा तक सच थे। विवाद बढ़ा, समाधान नहीं मिला। दोनों साधु के पास आए, बोले, महाराज आपने हमें लड़ा दिया, भिड़ा दिया। प्रश्न एक था पर आपने उसके दो उत्तर कैसे दिए? वे उत्तर भी एक दूसरे से उल्टे, हमें समाधान दे। साधु ने कहा, दोनों भोले हो, तुमने मेरा आशय नहीं समझा। साधु ने पहले व्यक्ति को संबोधित कर कहा, देखो तुम्हारी मनोवृत्ति घर को छोड़ने की नहीं थी, तुम घर छोड़कर साधना करना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने कहा मोक्ष प्राप्ति के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं है, तुम घर में रहकर भी साधना कर सकते हो। दूसरे व्यक्ति की मनोवृत्ति घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, इसलिए मैंने कहा मोक्ष प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक है। उसे मैं कैसे कहता कि तुम घर में ही रहो? जैसी तुम्हारी मनोभावना थी मैंने तुम्हें उसी ओर प्रेरित किया, उसकी जैसी मनोभावना थी मैंने उसे उसी ओर प्रेरित किया, उसी दिशा में जाने के लिए कहा। इसमें कठिनाई ही क्या है? यह एक घटना है। हम एकांततः यह भी नहीं कह सकते कि घर छोड़ना अच्छा ही है और यह भी नहीं कह सकते कि घर नहीं छोड़ना चाहिए। जिसकी जैसी योग्यता हो, समता हो, तैयारी हो, मनोवृत्ति हो, उसी दिशा में उसे चलने देना चाहिए। कैसे करें नेत्रों का प्रयोग? कुछ लोग कहते हैं कि आंख मूंद कर बैठे बिना रूप के प्रति जो आकर्षण है वह मिट नहीं सकता, रूप के प्रति जो आसक्ति होती है वह मिट नहीं सकती, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 2-4 घंटे आंख मूंद कर बैठना चाहिए। ऐसा करने पर ही चक्षु संयम हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं, नहीं यह कमजोरी है, कलिवता है, रूप को देखते हुए भी हमारे मन में आकर्षण पैदा न हो, विकार न आए, यह प्रयत्न करना है। आँख का काम है देखना, देखने के साथ हम राग द्वेष की चेतना को न जोड़े, यह साधना है। हमारे मन में प्रियता और अप्रियता का भाव न आए, अच्छे बुरे का भाव न आए। मैं कहता हूँ कि यह भी एक मार्ग है और वह भी एक मार्ग है, न वह श्रेष्ठ है और न यह अश्रेष्ठ, और न यह श्रेष्ठ है और न वह अश्रेष्ठ, दोनों मार्ग हैं। जिसकी जैसी रुचि हो वह उसी मार्ग पर बढ़े। मार्ग के श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ की बात नहीं है, बात है व्यक्ति की रुचि की, व्यक्ति की योग्यता की, व्यक्ति की क्षमता की। मार्ग दोनों हैं, किसी और से भी पहुंचा जा सकता है। जिस व्यक्ति में इतनी क्षमता जागृत हो गई कि आंखें खुली रहने पर भी उसे मन में प्रिय अप्रिय या राग द्वेष का भाव उदित नहीं होता तो उसे आंख मूंदने की कोई जरूरत नहीं है। आंखें बंद करना उसके लिए जरूरी है जिसमें इस प्रकार की समता का उदय नहीं हुआ है। जो मन से उठने वाले प्रियता अप्रियता या राग द्वेष के भाव को रोक नहीं पाता, मुंह पर पर्दा रखने की प्रथा पहले भी चालू थी, आज भी है। प्रश्न है कि पर्दा कौन रखे, स्त्री या पुरुष? यह आवश्यक नहीं कि स्त्रियां ही पर्दा रखें और पुरुष नहीं। पर्दा वह रखें जिसकी दृष्टि निर्विकार नहीं है। पर्दा उसके लिए है जो दृष्टि का संयम न कर सके, फिर चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। आंखें बंद करना भी आंख पर पर्दा डालना ही है, चाहे आंख बंद करे या आंख पर कपड़ा डाले, एक ही बात है।
पर्दा पर्दा है, जिसमें ये समता पैदा हो गई है कि दृष्टि में विकार नहीं आता, रूप अरूप के प्रति राग द्वेष नहीं आता। उसके लिए पर्दे की आवश्यकता ही नहीं है, उसे आंख मूंद कर साधना करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय प्रतिसल्लीनता एक मार्ग है इंद्रिय विषय के निरोध का, और एक मार्ग है राग द्वेष की धारा के अवरोध का। इन दोनों का संयुक्त नाम है इंद्रिय प्रतिसल्लीनता। प्रतिसल्लीनता का अर्थ है अपने आप में लीन हो जाना। इंद्रिय प्रतिसल्लीनता अर्थात इंद्रियों का चेतना में लीन हो जाना। इंद्रियों के विषय में हमारी जानकारी बहुत अल्प है। हम जानते हैं कि आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, आदि आदि, किंतु बात ऐसी नहीं है। वास्तव में यह विभाजन नहीं है, ज्ञान की एक ही धारा है, यह विभक्त नहीं है, किंतु हमने अपनी उपयोगिता के लिए वैसा कर लिया है। जैन परंपरा में 24 लब्धियां का उल्लेख है, उनमें एक लब्धि है सभिन्न स्त्रोतो लब्धि। जिस साधक को यह उपलब्ध हो जाती है, जो साधक अपनी साधना के द्वारा चेतना के इस विकास तक पहुंच जाता है, वह किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम ले सकता है। वह आँख से सुन सकता है, कान से देख सकता है, अंगुली से देख सकता है, सुन सकता है, फिर कोई विभाजन नहीं होता। सभी इंद्रियां सभी विषयों का ग्रहण करने में सक्षम हो जाती हैं। यह इस बात का द्योतक है कि यथार्थ में ज्ञान धारा एक ही है, उसमें विभाजन नहीं है। सभिन्न स्त्रोतोलब्धि का शब्दार्थ है कि जो स्त्रोत हैं वे सारे भिन्न हो जाते हैं, खुल जाते हैं। फिर ये नहीं रहता कि कान से ही सुनना है, आँख से ही देखना है, किसी इंद्रिय से सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। आज ये तथ्य विज्ञान के द्वारा भी संभव हो गया है कि कान द्वारा ही सुना जा सकता है, यह कोई बात नहीं है। यह तो हमने अभ्यास के द्वारा ऐसा बना लिया है कि हम कान के माध्यम के बिना सुन ही नहीं सकते, अन्यथा दांतों में सुनने की क्षमता अधिक है। आप आँख से नहीं अंगुलियों से भी देख सकते हैं। रूस में एक लड़की है, उसका नाम है रोजा कुलेशोवा। उसकी अंगुलियों में अद्भुत क्षमता विकसित हो गई है। आँख पर पट्टी बांधकर वह अंगुलियों के सहारे पुस्तक पढ़ लेती हैं। अंगुली पन्नों पर चलती जाएगी और वह पढ़ती जाएगी। कोई भी चीज हो वह उस पर दाएं हाथ की अंगुली फेरती हैं तो बता देती हैं कि उस पर क्या लिखा है, क्या छपा है। उसकी अंगुलियां शीशे के पार भी देख लेती हैं, वस्तु को छुए बिना पहचान लेती हैं। अंधे भी पुस्तक पढ़ते हैं, अपनी अंगुलियों से पढ़ते हैं, पर वे उभरे हुए अक्षरों को ही पढ़ पाते हैं। उनको पहले इस विद्या में शिक्षित किया जाता है, वे सामान्य पुस्तकें नहीं पढ़ पाते, किंतु वह रूसी लड़की सामान्य पुस्तकें अंगुली के माध्यम से पढ़ लेती हैं। हमारी इंद्रियों का यह जो विभाजन है कि अमुक इंद्रियों से सुना जाता है, अमुक इंद्रियों से देखा जाता है, अमुक इंद्रिय से चखा जाता है, आदि आदि, ये हमारे निरंतर अभ्यास के कारण हुआ है, यह यथार्थ नहीं है। जिनकी चेतना विकसित हो जाती है उनमें ये विभाग समाप्त हो जाते हैं। चेतना का प्रभाव, हम देखते हैं कि कुछ एक व्यक्तियों में मिठाई के प्रति राग है, कुछ एक में द्वेष या घृणा, कुछ व्यक्ति किसी वस्तु को पसंद करते हैं और कुछ किसी वस्तु को। एक व्यक्ति का एक वस्तु के प्रति राग है तो दूसरे व्यक्ति का उसके प्रति द्वेष है। इन इंद्रियों ने राग द्वेष को बांट दिया। क्या राग द्वेष बटता है? क्या वह खंड खंड होता है? मैं समझता हूँ यह नहीं होता। राग द्वेष की धारा एक है, हमारी चेतना की धारा एक है। सारा अंतर आता है हमारे अभ्यास के कारण, वातावरण के कारण या संस्कारों के कारण। एक परिस्थिति में जिस प्रकार के संस्कार, वातावरण या अभ्यास का निर्माण होता है, वैसे ही सारे विभाग बनते जाते हैं। किसी में रस की प्रबलता होती है, किसी में श्रवण की प्रबलता होती है और किसी में दर्शन की प्रबलता होती है। राग द्वेष की धारा एक होते हुए भी जो विभिन्न रुचियों का निर्माण होता है, उसका मूल कारण है विभिन्न संस्कारों का विकास। हम उनमें विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, अत्यंत अभ्यस्त हो जाते हैं, यह स्पेशलाइजेशन की बात है। जिस इंद्रिय का जिस विषय के प्रति अति झुकाव होता है, उधर ही राग द्वेष की धारा बहने लग जाती है। आपने अनुभव किया होगा, खेतों में पानी दिया जा रहा है, बड़ी नहर चल रही है, छोटी छोटी क्यारियों में पानी बह रहा है,
उनसे सारा खेत पानी पी रहा है। कभी कभी किसान ऐसा करता है कि जिन क्यारियों में पानी की आवश्यकता नहीं होती वह उन क्यारियों के मुंह पर मिट्टी की पाल बांध देता है। अब पानी उन विभिन्न क्यारियों में नहीं बहता, वह एक दिशागामी हो जाता है। जो पानी अलग अलग क्यारियों में बटकर बहता था वह एक धारा में बहना शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही है हमारी इंद्रियों की स्थिति। जो राग द्वेष की धारा सभी इंद्रियों के साथ बह रही थी, हमने कुछ एक इंद्रियों के द्वारों को बंद कर उसे एक ही इंद्रिय की ओर प्रवाहित कर दिया। अब सारा प्रवाह पूर्ण वेग से एक ही दिशा की ओर प्रवाहित होगा। अब हमारा संस्कार बलवान होता जाएगा। हमारे समूचे शरीर के सभी अवयवों में रक्त का संचार होता है, किंतु जब हम किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं और यह संकल्प करते हैं कि इस बिंदु पर रक्त का प्रवाह अधिक होना चाहिए, तो वहाँ रक्त धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लग जाती हैं, प्राण धारा प्रवाहित होने लग जाती हैं। प्राण धारा के साथ साथ रक्त की धारा भी आ जाती हैं। इस प्रकार जहाँ हमारा मन जाता है, संकल्प जाता है, प्राण धारा भी उसी ओर जाती हैं, राग द्वेष की धारा भी उसी ओर बहने लग जाती हैं। संस्कार बलवान और पुष्ट होता जाता है, राग द्वेष की धारा में कोई अंतर नहीं है, चेतना की धारा में भी कोई अंतर नहीं है। हम अंतर पैदा करते हैं उसे गति देकर, संकल्प कर या उसे पुष्ट कर। हमें इंद्रिय संयम का अभ्यास करना है तो दोनों विषयों इंद्रिय विषय के निरोध और राग द्वेष की धारा के निरोध में समझौता करना होगा। इंद्रिय संयम। इंद्रियों का अभ्यास सब में एक सा नहीं होता। किसी में चक्षु इंद्रिय प्रबल हैं, किसी में श्रोत इंद्रिय और किसी में रसन इंद्रिय, किसी में घ्राण इंद्रिय प्रबल हैं तो किसी में स्पर्शन इंद्रिय प्रबल हैं। इंद्रिय संयम का अभ्यास करने से पूर्व व्यक्ति सबसे पहले यह निर्णय करे कि उसमें किस इंद्रिय की आसक्ति प्रबल है, किस विषय की आसक्ति प्रबल है। ये निर्णय करने के पश्चात उसे संयम की दिशा में बढ़ना चाहिए। अभ्यास इस प्रकार करें, जिस इंद्रिय की आसक्ति प्रबल है उस और राग द्वेष की धारा न जाए। ऐसा अभ्यास करें, सदा जागृत रहें, अभ्यास निरंतर चले, प्रातः और सायं निरीक्षण करते रहें, यह पर्याप्त है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी जागरूकता यदि आ जाती है तो इंद्रिय संयम का मार्ग खुल जाता है, फिर वह अपने आप विकसित होता जाता है। इंद्रिय संयम साधना की दृष्टि से नहीं, जीवन की दृष्टि से भी जरूरी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, अन्य अन्य दृष्टियों से भी यह जरूरी है। योग, अयोग और अति योग। प्राचीन साहित्य में यह उल्लेख मिलता है कि राजाओं के लिए इंद्रिय संयम अत्यंत आवश्यक था। जो राजा इंद्रिय संयम नहीं कर सकता वह वास्तव में राज्य का सही पालन नहीं कर सकता था। इंद्रिय लोलुप राजा इतने बड़े साम्राज्य का पालन कैसे कर सकता? बाहर से आक्रमण हो रहा है और राजा अपने अंतःपुर में विलास में डूबा हुआ है, राज्य की रक्षा कैसे होगी? राजा के लिए संयत इंद्रिय होना बहुत ही जरूरी है। समाज का जो मुखिया है उसके लिए भी इंद्रिय संयम जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इंद्रिय का अति योग करने वाला अपने जीवन को ही नष्ट कर देता है। तीन स्थितियां हैं, योग, अयोग और अति योग। महर्षि चरक का अभिमत है कि जो व्यक्ति इंद्रियों का योग नहीं करता, इंद्रियों से काम नहीं लेता, उसकी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, वे काम करना बंद कर देती हैं। आप आँख से काम लेना बंद कर दे तो आँख की ज्योति नष्ट हो जाएगी। सब इंद्रियों के प्रति यही नियम लागू होता है। आप हाथ को मोड़ कर रखिए, कुछ दिनों के बाद उसे आप सीधा नहीं कर पाएंगे, उसकी लचक नष्ट हो जाएगी। अयोग से शक्ति नष्ट होती है तो अति योग से भी वह नष्ट हो जाती है। इसलिए योग ही उत्तम मार्ग है। इंद्रिय का समुचित योग होना चाहिए। पहले इंद्रिय से काम लिया, फिर विश्राम किया। जितना काम उतना विश्राम, जितना लेना है उतना लिया, न अधिक और न कम। यह है योग। यह आयुर्वेद का अभिमत है। साधना की दृष्टि से इंद्रिय संयम का बहुत महत्व है। इसका तात्पर्य है कि आँख से देखने का काम लेना आँख का असंयम नहीं है, कान से सुनने का काम लेना कान का असंयम नहीं है, असंयम है उनके साथ राग द्वेष जोड़ना। इंद्रिय संयम का अर्थ है आप इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान करें, कोरा ज्ञान, उसके साथ कुछ भी न जोड़े।
केवल पानी बहे, उसके साथ कूड़ा करकट और गंदगी न बहे। यह है इंद्रिय संयम। पानी बहे या एक ही जगह पड़ा रहे, इसकी चिंता नहीं है। पानी बह भी सकता है और एक जगह भी पड़ा रह सकता है। हमें तो केवल यह चिंता करनी है कि पानी के साथ कूड़ा करकट न मिले, न बहे, न घुले मिले। बस इतना करना पर्याप्त है। इसके लिए हमें किसी नाली को रोकना है तो उसे रोकना होगा, उसे ऊपर से ढकना है तो उसे ढकना होगा, जिससे उसमें गंदगी न आए, कूड़ा करकट न आए। मूल बात है पानी साफ बहे, उसकी स्वच्छता नष्ट न हो। यह है इंद्रिय संयम। यदि हम इस बात के लिए जागरूक हो जाते हैं कि हमारे इंद्रिय व्यापार के साथ राग द्वेष की धारा का संयम न हो, तो हमारे इंद्रिय संयम का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। परिणाम असंयम का, इंद्रियों के असंयम का परिणाम तत्काल ही मिल जाता है। एक व्यक्ति ने इतना भोजन कर लिया कि अब न शाम को खाने की आवश्यकता है और न एक दो दिन खाने की आवश्यकता है, एक साथ खूब खा लिया, डटकर भोजन कर लिया, इसका परिणाम तत्काल ही मिल जाता है। परिणाम के लिए अगले जन्म तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आए दिन हम पढ़ते हैं कि अमुक नगर में मदिरा पान से 100 आदमी मर गए। ये विषाक्त मदिरा थी। परिणाम भुगतना पड़ा, परिणाम तत्काल मिल गया। हमारा सारा लेखा जोखा वर्तमान में ही है। हमारे भीतर एक ऐसा कंप्यूटर है जो राई राई का लेखा जोखा कर लेता है, गणित कर लेता है, सारा हिसाब भीतर हो रहा है। एक आदमी बहुत धनी है। उसके धनी होने का कारण है कूट कपटपूर्ण व्यापार। वह दूसरों को ठगता है, धोखा देता है, मिलावट करता है, चोरी करता है। धन उसके पास एकत्रित होता रहता है। हम उसको बड़ा मान लेते हैं क्योंकि वह धनी है। वह बाहर से प्रसन्न भी दिखता है, उसके अंदर झांक कर देखिए वह बड़ा दुखी प्रतीत होगा। उसकी आत्मा रो रही है, घर में फूट है, बेटे आज्ञा नहीं मानते, पत्नी उससे संतुष्ट नहीं है, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ है। वह पल पल दुश्चिंता से बिता रहा है। कूट कपट का परिणाम उसे यहीं भोगना पड़ रहा है। धन है पर सुख नहीं, धन है पर आत्मसंतोष नहीं, धन है पर शांति नहीं। परिणामों का यह सूक्ष्म लेखा जोखा अंदर ही अंदर चल रहा है। हम प्रत्यक्षतः उसे देख नहीं पाते। वह स्वचालित व्यवस्था है। वाद प्रतिवाद और संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। वाद के साथ प्रतिवाद भी जन्म लेता है। वह चाहे फिर किसी भी पद्धति में हो, चाहे वह धार्मिक पद्धति में हो, राजनीतिक पद्धति में हो, सामाजिक पद्धति में हो, प्रतिवाद अवश्य होगा, संघर्ष अवश्य जन्मेगा। हम सोचते हैं कि वह प्रतिवाद या संघर्ष आज उत्पन्न हुआ है, यह भ्रांति है। प्रतिवाद का जन्म उसी दिन हो गया था जिस दिन वाद जन्मा था। बच्चा जिस दिन जन्म लेता है, जिस क्षण जन्म लेता है, उसी क्षण से मरना भी प्रारंभ कर देता है, उसकी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। हम कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति 60 वर्ष का होकर मरा, अमुक व्यक्ति 80 वर्ष का होकर मरा, यह गलत है। जो व्यक्ति 60 वर्ष तक जी लेता है, जो व्यक्ति 80 वर्ष तक जी लेता है, वह कभी नहीं मर सकता, वह मृत्यु से अतीत हो जाता है। जो 2 दिन भी बिना मरे कोरा जी लेता है, वह फिर कभी नहीं मरता, वह अमर हो जाता है। किंतु ऐसा होता नहीं। केवल जीने की व्यवस्था नहीं है इस जगत में। प्राणी जिस दिन जन्मा, जिस क्षण में जन्मा, उसी दिन उसी क्षण मरना भी प्रारंभ कर देता है। वह प्रतिक्षण मरता है। तभी तो एक दिन हम कह देते हैं कि वह मर गया। घड़ा पड़ा है, हमने एक कंकड़ मारा, घड़ा फूट गया। हमने उस पर डंडे का प्रहार किया, वह चूर चूर हो गया। हम कहते हैं अरे अभी घड़ा अखंड था, अब फूट गया, टूट गया। क्या घड़ा कभी फूटा है? नहीं, घड़ा क्षण क्षण में फूट रहा था, तभी अब फूटा। जिस क्षण में वह अस्तित्व में आया बना, उसी क्षण में वह यदि नहीं फूटता तो वह कंकड़ के या लकड़ी के लगने से कभी नहीं फूटता। घड़ा शाश्वत ही बना रहता, कभी नहीं फूटता। विश्व के प्रत्येक वाद के साथ प्रतिवाद, जन्म के साथ मौत, अस्तित्व के साथ नस्तित्व जुड़ा होता है। वाद के बाद प्रतिवाद आता है और फिर आता है संवाद। संवादी का अर्थ है पुष्टि देने वाला। वह पुरानी को बदलने वाला और नई को बनाने वाला होता है। यह तथ्य है कि हमारे भीतर जो क्रिया हो रही है, उसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है।
आदमी अच्छा भोजन करता है वह मानता है कि आज अमृत खाया है, परंतु क्या उस अमृत के साथ विष की मात्रा नहीं है? अवश्य है। कोई दूध को अमृत मानता है, कोई घी को और साग सब्जी को। इस अमृत के साथ विष की मात्रा भी है। दूध में भी विष है, घी में भी विष है, साग सब्जी में भी विष है। ऐसा कोई भी खाद्य नहीं है जो केवल अमृत ही हो, विष न हो या कोरा विष हो, अमृत न हो, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ जीने की क्रिया है वहाँ मरने की प्रतिक्रिया भी है। जन्म एक क्रिया है तो मृत्यु उसकी प्रतिक्रिया है, स्वास्थ्य क्रिया है तो रोग प्रतिक्रिया है। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इन्हें मात्रा भेद से हम अलग अलग कर लेते हैं। धनी व्यक्ति के धन की मात्रा को देखकर कह देते हैं कि इसने इतने पाप किए फिर भी इतना आगे बढ़ गया, किंतु साथ ही साथ जब हम उसकी आंतरिकता को देखते हैं, शांति और सुख को देखते हैं, तो कह देते हैं यह तो घाटे में रहा, धन हुआ तो क्या, यह न शांत है, न सुखी है और न प्रसन्न है। ये सारा गणित एक साथ चलता है। पर लोक की बात जाने दीजिए, क्रिया की प्रतिक्रिया वर्तमान में ही हो जाती है। प्रतिक्रिया करने वाला और उसका परिणाम देने वाला, सारा लेखा जोखा करने वाला कंप्यूटर हमारे भीतर है। इसके लिए किसी बाह्य सत्ता को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। ओम अरहम।